हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, इस रूल को प्रपोज्ड किया था लुईस और कौशल ने। ये जो रूल है ये केमिकल कॉम्बिनेशन में एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट मींस वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो एटम्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी तरह से अपने आउटर मोस्ट शेल मींस वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस समय उस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट होता है, मींस NS2NP6। इस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के कारण अब एटम आगे कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करता और ऐसे में इन एटम्स से जब मॉलिक्यूल बनता है तो ऐसा मॉलिक्यूल मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी वाला होता है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि इन केमिकल कॉम्बिनेशन द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। मैं तो यही रूल है कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो एटम्स की टेंडेंसी है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स कर ले, 8। क्यों? क्योंकि जब केमिकल कॉम्बिनेशन में ये एटम ये अपनी टेंडेंसी जो रखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की, ऐसे में उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा हो जाता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे में जो एटम होगा वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी वाला होगा। समझे बच्चों कि रासायनिक संयोग में प्रत्येक परमाणु की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। इस तरह वह अपने संयोजी कोष में निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मींस NS2NP6 प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह अधिकतम स्थायी और न्यूनतम ऊर्जा वाला होता है। तो समझ गए ना, तो आप यहां तक नोट करें। अब देखो, हम इसे एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे Na है, सोडियम, कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 281। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके निकल जाने से ये ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। फ्लोरीन में 27 है, एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो जब दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होगा तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। और ऐसे में सोडियम में तो एक इलेक्ट्रॉन के फ्लोरीन में चला गया तो ये Na प्लस और ये माइनस हो गया, 2828, जो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन के समान। तो इस तरह से आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s2 2p6 2s2 2p6, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये केमिकली इनर्ट रहेंगे, अब इसके आगे उनका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर शेयरिंग हुई है, समझ गए ना। शेयरिंग में क्या हुआ कि इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली। और इस तरह से अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और फ्लोरीन बन गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, समझ गए ना, जो हमने इससे पहले भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, आगे भी देखेंगे। और एक होता है डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, ये तब होता है जब कोई भी एलिमेंट अपना एक या दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिलीज करे या एक्सेप्ट कर ले, तब उसमें हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अगर हो जाए, जैसे लिथियम में 2 और 1, कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन्स में से इसका 1 होता है। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के हाइड्रोजन को देगा, ऐसे में इसका हो गया 1s2 हीलियम जैसा और इसका भी क्या हो गया 1s2, ये भी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो डुप्लेट भी होने से कंपाउंड जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, उसके बाद वो इनर्ट हो जाता है। तो आप इसे लिखें। अब देखो, हम ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस में आ जाते हैं। मतलब ये है कि कुछ कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट या तो
आठ इलेक्ट्रॉन मतलब उनमें ऑक्टेट नहीं होता, या तो दो इलेक्ट्रॉन है या आठ से भी ज्यादा होते हैं, फिर भी वो स्टेबल है। तो इन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। जैसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, तो आप देखोगे जहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ता है किसी भी एलिमेंट से, तो वहां पर हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी तरह से अपने आउटर मोस्ट सेल में एट की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स कर ले, टू, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही सेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वहां पर ऑक्टेट रूल नहीं लगता बल्कि डुप्लेट रूल लगता है। तो मैंने यही लिखा है कि एज हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन सेल कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर टेंडेंसी टू अचीव ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स विद डुप्लेट इन शेल। समझ गए बच्चों कि हाइड्रोजन में एक ही कोष और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे दो हाइड्रोजन जुड़ जाए, इनमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो पर एटम में पर हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ना कि ऑक्टेट। ठीक इसी तरह से मान लो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से दो हाइड्रोजन से शेयर करता है, तो ऑक्सीजन में तो एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पर एटम में टू इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बल्कि डुप्लेट कंप्लीट है, तो यहाँ पर फॉलो नहीं होता ऑक्टेट रूल, तो आप इसे नोट कर। अब देखो जो डी ब्लॉक है एफ ब्लॉक है, इनके एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इनमें ऑक्टेट रूल नहीं लगता, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है। मतलब ये एलिमेंट्स जो होते हैं डी ब्लॉक के अधिकतर जो मैक्सिमम कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन, ठीक है, मैक्सिमम कंपाउंड्स having a tendency to achieve 18 electrons in valence shell, है इनमें 18 electrons को complete करने की tendency है। ये जो जैसे complex लिखे हुए हैं, आप इनमें किसी में भी electronic configuration निकाल के देखना, इन सब में जो है ये जो configuration आएगा d और last orbit का, वो आप देखोगे उसमें 18 electrons निकलेंगे। हालांकि मैं इनको detail में आगे पढ़ाऊंगा deep block में। जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स बता दूं Fe(CN)4-6, Fe की नॉर्मल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d6 4s2, दो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 3d6 4s0 हो जाएगा, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। तो इस तरह से जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से पेयर्ड रहते हैं, बाकी हर साइनाइड आयन एक एक लोन पेयर में और इस तरह से जुड़ जाता है। तो आप अगर इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दें तो ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से यहाँ पर 8 का कोई सवाल नहीं है। इन सब में भी इसी तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन या इनका इस तरह से फॉर्मेशन करके देख सकते हैं कि इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो वहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स का रूल लगता है ना कि ऑक्टेट का, तो वहाँ पर भी लिमिटेशन आ गया, तो आप इसे नोट करें। अब देखो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स भी, मतलब जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स। जैसे आप देखोगे पी ब्लॉक में जाओ तो पी ब्लॉक में जो थर्ड पीरियड है फॉस्फोरस है सल्फर है क्लोरीन है नाइट, ठीक है, तो इनमें जो है सिलिकॉन है, इनमें आप देखोगे कि इनके ऐसे भी कंपाउंड्स बनते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो हाईली स्टेबल भी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एनडी वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं और उन ऑर्बिटल्स में एनएस या एनपी के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। समझ गए ना, जैसे हम तो यही मैंने लिखा है बच्चों कि कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, उनको बोला गया सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स। जैसे कि PCl5 SF6 IF7 इनमें सुपर ऑक्टेट होता है। फास्फोरस का PCl5 देखें तो ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप देखोगे 3s2 3p3, ये इलेक्ट्रॉन यहां डी में और ये क्या है D0, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइटेड हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट है,
तो इस तरह से कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए इनके पास, पांच। जब PCl5 बना तो इस तरह से पांच क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो कुल मिला के यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये ऑक्टेट से ज्यादा है। SF6 में अगर सल्फर के कैलकुलेट करोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। IF7 में अगर आयोडीन के निकालोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं लगता और फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ तक अब देखो कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। आप देखो कि बेरिलियम है, बोरोन है, ये मतलब बोरोन ग्रुप है जो पूरा, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं इन एलिमेंट्स के, जो कि जिनमें इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम इलेक्ट्रॉन है, 6 है या 4 है, फिर भी वो स्टेबल है। जैसे बेरिलियम में आप देखो कि बेरिलियम के खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 क्लोरीन से मिल गए 4 ही हो पाए, इसमें भी 2 फ्लोरीन से मिले 2 बेरिलियम के हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 फ्लोरीन से मिले तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है फिर भी स्टेबल है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ऑक्टेट रूल से नहीं दिया जा सकता। ठीक इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, जैसे NO, NO का स्ट्रक्चर अगर हम देखें कोवेलेंट डबल बॉन्ड के बेस पर, तो इस तरह से अगर नाइट्रोजन में 5 होते हैं 2 यहाँ, ऑक्सीजन में 6 होते हैं 2 ये, तो 2 इसके तो ये तो बन गया डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन में 1 ऑड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये 1 और ये 2 मिलकर इस तरह से एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये क्यों बना, जबकि इससे तो कोई भी किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट या कम्प्लीट नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह से NO2 में भी इसी तरह का ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है जो ऑक्टेट रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। जिनोन की अगर आप कंपाउंड्स देखें तो जिनोन के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर भी ये कंपाउंड्स बना लेता है XCF2, XCF4, XCF6, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आउटर मोस्ट में, इसके जो लास्ट में थे 8 तो वो थे 2 फ्लोरीन से मिल गए, तो कुल मिला के 10 हो गए आउटर मोस्ट में, इसमें 8 थे 4 और मिल गए 12, 8 थे 6 मिल गए 14। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो इस तरह से लिमिटेशंस हैं जो कि ठीक है एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी मिलते हैं, तो जहाँ पर ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, वायलेटेड होता है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, आप पहले से नोट करें। देखो एक सोजेन कॉन्सेप्ट दिया गया जो कि ऑक्टेट रूल को सपोर्ट करता है। इसमें ये बोला गया है कि जो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें सेंट्रल एटम अपने बैलेंसी सेल के ऑक्टेट को अटेन करके रखता है, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ऐसा करने के लिए वो क्या कर सकता है, अदर एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। फिर से सुने ठीक है, कि सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो अपने बैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखता है। ऐसा करने के लिए वो कुछ एटम्स के साथ क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है बच्चों, कि जो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें केंद्रीय परमाणु संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसके लिए वह अन्य परमाणुओं के साथ 1 इलेक्ट्रॉन बंध बनाता है। देखो कैसे, जैसे PCl5 है, PCl5 के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ठीक है इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब फॉस्फोरस के पास बचे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया जाता है क्योंकि इसमें 7 होते हैं और 1 ये मिल गया, तो इसके पास भी 8 हो गए। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और 1 फॉस्फोरस ने दे दिया, तो कुल मिला के यहाँ पर भी क्या होगा ठीक है 8 हो गए। तो क्लोरीन के यहाँ पर भी 8 है कम्प्लीट, यहाँ पर भी 8 है, और फॉस्फोरस के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे 8 कम्प्लीट है, ये लिख दिया गया ठीक है यहाँ पर, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन बोर्ड और इस तरह से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीट है। अगर हम सल्फर में जाएं तो 6 होते हैं, तो 6 में से ये जो है ये वाला बॉन्ड मान लें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना, ठीक इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, मतलब
सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, दोनों के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बन गए। अब बचे चार, तो ये फ्लोरीन को एक एक ऐसे दिए जाते हैं, मतलब सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे दिया, इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट। और इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें जो वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो है फोर, और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं टू। इसमें जाओगे तो वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स तो है कितने आपने देखे टू, और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं थ्री, तो छः ये और दो आठ। ठीक इसी तरह से चार ये और चार इसके हो गए आठ इलेक्ट्रॉन। अगर आप आइए आप सेवन में जाओगे तो इसमें जो है वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स तो है सिक्स, समझ गए ना, तो ये और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स वन है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन ये और टू ये हो गए, तो इसके फिर तो यहाँ पर भी आयोडीन का ऑक्टेट क्या है कम्प्लीट है। तो इस तरह से ये जो सोजेन कॉन्सेप्ट था ये ऑक्टेट रूल को सपोर्ट करता है, लेकिन इस तरह के इस सोजेन कॉन्सेप्ट से सभी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो जहाँ तक हो सकता था उसने एक्सप्लेन की। तो ये था ऑक्टेट रूल और उसके कुछ एक्सेप्शन, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑक्टेट रूल अच्छी तरह से, आप इसके वीडियो को अच्छी तरह देखें, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तब तक के लिए आपसे विदा करते हैं, नमस्कार, सी यू अगेन, थैंक यू।